नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे जोमेटो आईपीओ की। जैसा कि आप देख रहे हैं जोमेटो आईपीओ, जोमेटो ने आईपीओ के लिए सेबी को आवेदन कर दिया है और लगभग 8,25,000 करोड़ रुपए जुटाने की जोमेटो की योजना है। तो दोस्तों, फूड डिलीवरी ऐप जोमेटो ने आईपीओ के लिए दाखिल कर दिया है। इसके बाद हम बात करें कंपनी का क्या प्लान है। कंपनी में इन्फोएज की हिस्सेदारी है, इन्फोएज कंपनी है, उसकी हिस्सेदारी है लगभग 20% के आसपास। और इन्फोएज ये अपनी इस 20% की हिस्सेदारी में से लगभग 750 करोड़ रुपए की अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। तो जोमेटो में जो कंपनी ने इन्फोएज ने निवेश कर रखा था वो भी अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। तो ये खबर इन्फोएज के लिए भी काफ़ी अहम है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि जोमेटो में इन्फोएज अपनी हिस्सेदारी बेच रही है और जैसा कि आप देख रहे हैं इन्फोएज ने एक रेगुलेटिंग फाइलिंग में कहा है कि कंपनी बोर्ड ने ऑफर्स के जरिए जोमेटो में आईपीओ में लगभग 750 करोड़ रुपए के शेयर बिक्री के लिए रखने की मंजूरी दी है। और जोमेटो में इन्फोएज की हिस्सेदारी की बिक्री का ऐलान काफ़ी अहम है क्योंकि बाज़ार जोमेटो की आईपीओ का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। इसके बाद हम बात करें जोमेटो के वैल्यूएशन की बात करें, जोमेटो का अगर हम फाइनेंशियल थोड़ा देखें तो कंपनी के वैल्यूएशन में स्विगी के मुकाबले घटा है। कंपनी ने 2020 में 2019 के मुकाबले लगभग सेल है वो दुगुनी रही है। 2019 में कंपनी की सेल बढ़ी है। माना जा रहा है कि कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2021 की दूसरी तिमाही तक अपना आईपीओ ला सकती है। तो ये खबर आ गई है कि कंपनी अपना आईपीओ ला रही है। और कंपनी, जैसा कि आपको पता है, जैसे ही कोरोना स्टार्ट हुआ है जो ऑनलाइन फूड का है मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ा है, बहुत तगड़ा ग्रोथ कर रहा है। तो आने वाले टाइम में फूड कॉन्टेक्टलेस कंपनी का जो प्लान है, जीरो कॉन्टेक्ट डिलीवरी की सुविधा शुरू किए जाने के बाद से कंपनी के ऑर्डर में तेज़ी से बढ़े हैं। तो कंपनी की ऑनलाइन फूड डिलीवरी बिजनेस में हिस्सेदारी लगभग 2019 में 70% तो जो अभी बढ़कर 90% होगी है। जब से कोरोना शुरू हुआ है कंपनी की ऑनलाइन फूड की हिस्सेदारी 90% होगी है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है कंपनी के लिए क्योंकि कोरोना के कारण लोग जीरो कॉन्टेक्ट डिलीवरी में यकीन करने लग गए हैं जिससे कि कोरोना ना फैले। तो दोस्तों, आने वाले टाइम में ये आईपीओ बम्पर साबित हो सकता है क्योंकि कंपनी ये एक नया स्टार्टअप है और कंपनी में ग्रोथ की काफ़ी संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, ये एक बेहतरीन आईपीओ साबित होने वाला है। थैंक यू।